Hello students, how are you all? I hope you all are well. I, Rupi Trivedi, again here with a new video related to not-for-profit organization. Today we will start with the format of receipt and payment account. So let's see. This is a format of receipt and payment account. Okay, so starting, सबसे पहले आप अकाउंट का नेम मेंशन करोगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड पे आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस पर्टिकुलर ईयर के एंड में आप ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट कर. ओके, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट. जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट. ओके, सो देर आर फोर कॉलम्स. फर्स्ट फॉर रिसीट्स, सेकेंड फॉर अमाउंट, थर्ड फॉर पेमेंट्स एंड फोर्थ फॉर अमाउंट. ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसीट्स है उस सारी रिसीट की एंट्री आप रिसीट साइड में करोगे, अमाउंट साइड में आप अमाउंट लिखोगे, फिर पेमेंट साइड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट की है वो पेमेंट आप यहाँ मेंशन करोगे और लास्ट में उसका अमाउंट आप लिखोगे. अब जैसा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस. अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है. ठीक है, सेकेंड टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन जो कि मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है. जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम पीरियड की, इसमें बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि भले वो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन हो या इस ईयर की सब्सक्रिप्शन हो या आने वाले ईयर की सब्सक्रिप्शन हो, अगर वो सब्सक्रिप्शन आपको उस पर्टिकुलर ईयर में मिल रही है जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर उसको मेंशन करना है. थर्ड टू जनरल डोनेशन. डोनेशन आपको पता है जनरल का मीन्स क्या हो गया कि इस डोनेशन का अमाउंट जो भी आप रिसीव करोगे उसका यूज़ आप किसी भी जनरल पर्पस के लिए कर सकते हो. फिर टू एंट्रेंस या एडमिशन फीस. ओके, मेंबर जो भी क्लब में एंट्री लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेंगे, उनको एंट्रेंस फीस पे करनी होगी. ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगा. जनरल ग्रांट्स, ये ग्रांट्स इंडस्ट्रियल से भी मिल सकती है आपको और गवर्नमेंट की भी हो सकती है. ओके, तो ये जो ग्रांट है ये एक तरीके से जनरल ग्रांट, इसलिए इसको बोला गया है कि इस ग्रांट से जो भी अमाउंट आप रिसीव करोगे उसका यूज़ आप किसी भी जनरल पर्पज़ के लिए कर सकते हो. फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास एक्सेट्रा. अब आपका सपोज लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपके डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं. अब एक दिन के बाद तो वो न्यूज़पेपर क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं. तो ऐसे जितने भी ओल्ड न्यूज़पेपर हैं जब आप उनको सेल कर दोगे तो सेल करने पे जो आप अमाउंट रिसीव करोगे वो भी आपके एक तरीके से रिसीट हो गई, तो उसे आप यहाँ मेंशन करोगे. ग्रास, सपोज़ कि आपका ग्राउंड है. ओके, ग्राउंड में उसको मेंटेन करने के लिए जो घास की कटिंग वगैरह होती है उससे जो वेस्ट होता है, ओके, उसको जब आप सेल कर दोगे तो उससे भी जो आप अमाउंट रिसीव करोगे वो भी आपकी रिसीट है. फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे भी उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो आपकी रिसीट है. इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट और लेक्चर, कॉन्सर्ट और लेक्चर के थ्रू अगर कोई इनकम रिसीव हुई है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी. डिविडेंड मीन्स किसी प्रॉफिट का पार्ट, वो भी आप रिसीव करोगे तो रिसीट साइड. रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया. मिसलेनियस रिसीप्ट्स मीन्स ऐसी छोटी मोटी रिसीप्ट्स जो आपकी आपको आगे चल के कभी रिसीव होती है तो वो भी आपकी रिसीट साइड में आप मेंशन करोगे. लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि मैंने आपको बताया था लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है कि अगर कोई मेंबर अपने लाइफ टाइम की फीस एक साथ पे कर देता है, वो चाहता है कि मैं लाइफ टाइम तक आपके क्लब का मेंबर बना रहना चाहता हूँ तो उसकी फीस मैं एक साथ ही पे कर रहा हूँ, तो वो कौन सी फीस हो जाती है, लाइफ मेंबरशिप फीस. डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अब डोनेशन का मीनिंग तो आपको पता है, स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, तो ये जो डोनेशन का अमाउंट है ये आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया, तो इसका यूज़ आप उस स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ही करोगे जिसके लिए आपको ये डोनेशन मिला है. फिर लेगेसीज, विल होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप रिसीव कर सकते हो, तो अगर आपने रिसीव की है तो वो भी रिसीट साइड आ जाएगी. एंडोमेंट फंड, फंड आपको रिसीव हुआ है इसलिए रिसीट साइड में आ जाएगा, लेकिन एंडोमेंट फंड का मीनिंग क्या होता है वो इसी वीडियो में हम आगे और अच्छे से जानेंगे. फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी कोई एसेट थी अगर आपने उसको सेल कर दिया तो उससे जो अमाउंट आपको रियलाइज होगा वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे, वो भी आपकी रिसीट है. फिर रिसीप्ट्स ऑन अकाउंट,
और स्पेशल फंड, मैच फंड, प्राइस फंड एक्सेट्रा। अब सपोज कि आपको किसी स्पेशल चीज़ के लिए फंड रिसीव हुआ है, सपोज के मैच फंड है, मैच फंड करवाया आपने, ठीक है, मैच फंड के लिए जो आपको अमाउंट मिला है आपने मैच भी करवा दिया और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेंसेस आपने उस फंड में से पे कर दिए, लेकिन उसके बाद भी आपके फंड का अमाउंट बच जाता है तो वो भी कहाँ पर हो जाएगा, रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट में आप यहाँ पर मेंशन करोगे। बैलेंस ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये हम लास्ट में देखते हैं। अब पेमेंट साइड में बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये क्या चीज़ है? अगर आपको कैश और बैंक का बैलेंस जो दे रखा है वो अगर पॉजिटिव है तो आप टू साइड में लिखोगे, मतलब रिसीट साइड में, लेकिन इन केस के आपके पास जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है तो हम उसको माइनस में शो नहीं करते, हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट करके यहाँ पर शो करेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या पेमेंट हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो पेमेंट साइड में आप लिखोगे, सैलरी पे करना हो सकता है, रेंट अगर आपने पे किया है, पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी स्टाम्प होते हैं, टिकट्स होती है जो पोस्ट ऑफिस में मिलती है, तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पोस्टेज की कैटेगरी में शो करते हैं। फिर बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन अगर आपने सेल परचेज की है तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रिपेयरिंग का वर्क आपने करवाया है, ऑडिट करवाया है तो उसकी ऑडिट फीस आपने पे की होगी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अगर आपने पे किए हैं, इंश्योरेंस करवाया है तो वो भी आपको उसकी प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। ऑनरेरियम, यहाँ पर दो ऑनरेरियम है, एक सेक्रेटरी ऑनरेरियम और एक नॉर्मल ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि अगर आप किसी के ऑनर में उसको कुछ गिफ्ट देते हो, किसी का सम्मान करते हो, ठीक है, तो वहाँ जब आप उसके लिए गिफ्ट के लिए जो एक्सपेंसेस करते हो वो आपके ऑनरेरियम में आ जाएंगे। सेक्रेटरी का ऑनरेरियम मीन्स अगर आपने आपके सेक्रेटरी का ऑनर किया है तो उसके ऑनरेरियम के लिए आपने जो पे किया है वो यहाँ आ जाएगा। और सिंपल ऑनरेरियम जो आपको दे रखा है वो किसी भी दूसरे पर्सन का, किसी भी दूसरे पर्सन का आपने अगर ऑनर किया है, उसको उसके ऑनर में आपने कुछ गिफ्ट पे किया है तो उसके लिए भी आपने एक्सपेंसेस किया होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपने पे किया है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तो वहाँ भी आपने एक्सपेंसेस किए होंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑन शो, आपने कोई शो ऑर्गेनाइज करवाया है और उसके सेंस में अगर आपने जो जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो इस कैटेगरी में शो हो जाएंगे। मिसलेनियस पेमेंट्स, छोटी मोटी जो भी पेमेंट है वो इस कैटेगरी में आप शो करोगे। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने कोई असेट परचेस किए तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। अब ये जो असेट परचेस है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर हो या रिवेन्यू नेचर हो, हर तरीके की रिसीट और पेमेंट शो की जाती है, इसलिए ये पेमेंट भी यहाँ पर शो हुई है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है, बुक्स आपने परचेस की है, लोन अगर आप पेमेंट करते हो तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, बिल्डिंग परचेस करी है, और लास्ट में आपको दे रखा है बैलेंस सीडी, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पर एंड होता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका क्या मीनिंग है? तो अगर आपकी रिसिट्स में से आप सारे पेमेंट्स को माइनस कर दोगे और तब जो बैलेंस बचेगा वो आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितनी हमारे पास रिसीट्स है उससे ज़्यादा के हमने पेमेंट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो माइनस का बैलेंस शो होगा उस माइनस के बैलेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो ये था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब एक सम देखते हैं हम। ओके, ये एक सम है, क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मीन्स आपको जो एंट्री करनी है वो किसकी बुक में एंट्री करनी है? आपको रेलवे क्लब की बुक में एंट्री करनी है, ठीक है। और कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ईयर एंडेड आपको क्या मेंशन किया है यहाँ पर? 31 मार्च 2019। तो फॉर द ईयर एंडेड करके जो डेट आप मेंशन करोगे वो डेट आपकी ये होगी, 31 मार्च 2019। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है? कैश इन हैंड ऑन 1st अप्रैल, मीन्स ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन जो कि आप रिसीव करोगे, डोनेशन ये भी ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है, इंट्रेंस फीस ये भी रिसीव हो गया, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स ये भी आपकी रिसीट साइड में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आप पे करोगे, ठीक है, आपके जो भी चार्जेस है वो आपको पे करने रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को पे करने होंगे, इसलिए ये पेमेंट साइड से होगा। टैक्स अगर आपने पे किया है, फिर सैलरी पे करोगे आपके एम्प्लॉयज़ को, फिर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी यहाँ पर भी पेमेंट में आ जाएगा ये भी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट आप पे नहीं करोगे, आपको रिसीव होगा, इसलिए रिसीट साइड जाएगा।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके जो एक्सपेंसेस है वो आप पे करोगे। पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश मतलब जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप बड़े हेडिंग में शो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये भी आप पे करोगे, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी आपने पे किया। ओके, अब ये आपका सम है, इस सम को आप फॉर्मेट में किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सम दे रखा था, ठीक है, आपने सम अच्छे से देख लिया, उस सम में क्या आपकी रिसीट थी और क्या आपकी पेमेंट थी। अब उसकी अकाउंटिंग आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखते हैं। फॉर्मेट आपने देख ही लिया था। स्टार्टिंग हम करेंगे कि हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो हम यहाँ रेलवे क्लब की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब, ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किस डेट के लिए आपको बोला है सम में, कौन सी एंडिंग डेट पर आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है, तो 31 मार्च 2019, ठीक है, आपने डेट मेंशन कर दी। फिर इसके टू साइड है, डेबिट और क्रेडिट, जो कि आपको पता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट हमने फॉर्मेट बना लिया, अब हम एंट्री करते जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर जो टू बैलेंस आपको दे रखा था वो यहाँ के लिए था। टू बैलेंस बीडी करके आपने वो अमाउंट लिख दिया। सब्सक्रिप्शन आप रिसीट में लिखोगे क्योंकि वो आप ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है, डोनेशन रिसीव करती है, डोनेशन के बाद इंटरेस्ट फीस रिसीव करेगी, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स, ओके, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी उस क्वेश्चन के अंदर से जितनी भी रिसीट थी वो सारी की सारी रिसीट्स हमने रिसीट्स के कॉलम में मेंशन कर दी, और उसके अमाउंट अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दिए। उसके बाद हमारे पेमेंट्स क्या क्या थे, अब रिसीट्स क्लियर करने के बाद जो अमाउंट बचे हैं वो सारे के सारे हमारे पेमेंट थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से पेमेंट किए थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए थे, टैक्स पे किया था, सैलरी पे करी थी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपने पे करी थी, ठीक है। तो सारी रिसीट और सारे पेमेंट इन सब की एंट्री कर देने के बाद, इनके अमाउंट भी लिख देने के बाद, अब लास्ट में आप क्या निकालोगे, बैलेंस। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिसीट साइड में जितने भी अमाउंट है इन सब का आप टोटल लगाओगे। तो जो टोटल रिसीट्स है वो कितनी आ गई आपकी, 62,490, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, पेमेंट साइड के जितने भी अमाउंट है इन सब का आप टोटल लगाओगे, इनका टोटल कितना है आपका, 29,490। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिसीट है वो आपकी ज़्यादा है और पेमेंट जो है वो आपके कम है। तो रिसीट में से पेमेंट जब आपने माइनस किया तो आपके पास जो बैलेंस बचा है 33,000, वो पॉजिटिव बैलेंस है, मींस रिसीट ज़्यादा है, इट मींस के पॉजिटिव बैलेंस है। तो ये जो 33,000 का आपका बैलेंस आया है, ये आप बाय बैलेंस सीडी करके 33,000 यहाँ पर शो कर दोगे। और अगर मान लो कि ये 62,000 नीचे होता और 29,490 ऊपर होता, इट मींस कि आपके पेमेंट ज़्यादा होते और रिसीट आपकी कम होती, तो ये जो बैलेंस है ये आपका माइनस में होता, और माइनस में बैलेंस आता है तो आप किधर लिखोगे, बाय की जगह आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसका डिफरेंस भी निकाल लिया और ये आपका सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब टोटल की बात है, तो टोटल आप कौन सा अमाउंट लोगे, जो बड़ा अमाउंट है वो आपके यहाँ पर टोटल में शो होगा, जिसको आप डबल लाइन से क्लोज करोगे। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो एक जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करने के बाद जो अकाउंट प्रिपेयर करती है वो कौन सा अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेट्स सी। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। मींस आपने 11th क्लास में प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसका प्रॉफिट या लॉस वो कैलकुलेट कर सके। वैसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें अगर अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो वो कौन सा अकाउंट क्रिएट करती है, वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। इट शोज ऑल रिवेन्यू इनकम अर्न एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी उस पर्टिकुलर ईयर, कौन सा ईयर, जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, उस ईयर में जितनी भी रिवेन्यू इनकम होती है और रिवेन्यू एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर रिवेन्यू वर्ड यूज़ किया गया। तो आपके जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक कैपिटल होती है और एक रिवेन्यू होती है। तो
तो रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल हो या रिवेन्यू हो दोनों मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो ये जो अकाउंट है ये ईयर के एंड में प्रिपेयर होता है और ये एक्रुअल बेसिस को फॉलो करता है. एक्रुअल बेसिस क्या होता है? तो अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, एक होता है एक्रुअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस. कैश बेसिस का मीनिंग क्या हो गया? कैश बेसिस में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो एक्रुअल बेसिस होता है उसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ ही साथ जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उन्हें भी रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये आपके एक्रुअल बेसिस को फॉलो करता है. ओके, इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस वेदर इट हैज सरप्लस और डिफिशिएंट. और जितने भी इनकम है और एक्सपेंडिचर है इनको रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में जो आपका बैलेंस आता है वो या तो सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा. सरप्लस मींस प्रॉफिट और डिफिसिट मींस लॉस, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस टर्म यूज़ नहीं किया जाता है. यहाँ पर प्रॉफिट के लिए सरप्लस यूज़ किया जाता है और लॉस के लिए डिफिसिट, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. ओके, इट हैज़ टू साइड नेमली डेबिट एंड क्रेडिट साइड. जैसा कि आपको पता है कि किसी भी अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. तो जितने भी गेन्स होते हैं इनकम होती है उन्हें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेस है उन्हें डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है. एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इज टर्म एज सरप्लस वेयर एज एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड इज टर्म एज डिफिशिट. मीन्स जैसे दो साइड है यहाँ पे, एक साइड है आपका इनकम और एक साइड है आपका एक्सपेंडिचर. अब अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो बैलेंस आएगा ठीक है तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिफिशिट, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि आपको उतनी इनकम नहीं हुई है जितने के आपके एक्सपेंडिचर है. अब इसके अपोजिट अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है इट मीन्स कि वो आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट सरप्लस, क्योंकि यहाँ पर आपके इनकम ज़्यादा है. ओके, सच सरप्लस और डिफिशिट एज द केस मे बी इज एदर एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट. आपने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी तो वहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आपने देखा होगा कि कैपिटल लिखा होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आपको नेट प्रॉफिट मिलता है उस कैपिटल में उस नेट प्रॉफिट को आप क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो. और अगर नेट लॉस आता है तो उसे कैपिटल में से आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो. वैसे जितनी भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल की जगह पे कैपिटल फंड यूज़ होता है. तो उस कैपिटल फंड में जो सरप्लस है हमारा उसे ऐड कर दिया जाता है क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, और जो डेफिसिट है उसे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो हमारा लॉस है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स. फीचर्स क्या क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के? फर्स्ट, नेचर. इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड देयरफॉर ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल रिवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स अर्न आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? नॉमिनल. नॉमिनल क्यों है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है. आप जब क्लास 11th में थे आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े होंगे अलग अलग अकाउंट के लिए. तो फर्स्ट वहाँ पर क्या था? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट. सेकंड कैटेगरी आपकी कौन सी आती थी वहाँ पर? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. ओके, अब थर्ड कैटेगरी जो आपकी आती थी वो क्या थी? नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी आपके एक्सपेंसेस थे लॉसेस थे उनको आप डेबिट करोगे और जो भी आपके इनकम्स थे गेन थे उनको आप क्या करोगे? क्रेडिट. तो यहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट है ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने से रिलेटेड है. सेकंड, फीचर्स. फीचर्स में आपका बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग आपका सेकंड नंबर का फीचर है. ओके, इसमें क्या बोला गया है कि इट फॉलोज द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू अ सर्टेन सरप्लस और डिफिसिट अराइजिंग आफ्टर मीटिंग ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस अगेंस्ट ऑल रिवेन्यू इनकम्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. मीन्स
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रुअल बेसिस को फॉलो करता है। एक्रुअल बेसिस मीन्स क्या हो गया, जहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं। तो जितने भी आपके कैश और क्रेडिट सारे इनकम्स है और सारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद जो बैलेंस आता है वो सरप्लस या डेफिसिट को शो करता है। थर्ड पॉइंट इज पीरियड, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इस अकाउंट में जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जब भी आप ये अकाउंट बनाओगे वहाँ पर आपके करंट ईयर की जो भी इनकम्स है और करंट ईयर के जो भी एक्सपेंडिचर है सिर्फ उन्हीं को आप शो करोगे। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट्स, सिंस इट फॉलोज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी गिवन इफेक्ट विच आर नेसेसरी टू रिकॉर्ड द इनकम्स गेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटिंग टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्रुअल बेसिस को फॉलो किया जाता है, वो आपके एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रुअल, ठीक है, इससे रिलेटेड हो सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, हाउ एवर बैलेंस एट द एंड इज एदर सरप्लस और डिफिसिट विच इज देन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। तो जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस और एंड करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस होता था, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं मिलता है, आप बस डायरेक्ट यहाँ पर जितने भी आपके इनकम्स है आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स है आप उनको रिकॉर्ड करोगे और जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस या तो आपका सरप्लस शो करेगा या डेफिसिट शो करेगा। ओके, तो ये हमारे फीचर्स थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या डिफरेंसेस है तो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर बात की जाए तो इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और डिफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का जो पर्पस है वो क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या सरप्लस रहा क्या डिफिसिट रहा उसे कैलकुलेट करना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात की जाए तो इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब किसी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या प्रॉफिट और लॉस रहा उसे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट प्रिपेयर्ड बाय, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, तो जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है, और जितने भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करती है। थर्ड मेथड, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जाए तो क्या मेथड है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, इफ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स इज नॉट मेंटेन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ओके, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब भी उनके ट्रांजेक्शन होते हैं सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, फिर लेजर प्रिपेयर करती है, लेजर के बेस पर जो भी बैलेंस अवेलेबल हो जाते हैं उनके बेस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे जो फाइनल अकाउंट है ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अगर यहाँ पर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अगर ये सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से रखती है, सारी बुक्स मेंटेन करती है, तो वो भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगी। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इजीली बना सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने कंप्लीट बुक मेंटेन नहीं कर रखी है तो ऐसी कंडीशन में पहले वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसके बेस पर ही वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्या बोला गया है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और अदर इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट भी उसमें कर सकते हैं। लास्ट इज बैलेंस, बैलेंस इन दिस अकाउंट इज टर्म एज एदर अ सरप्लस और डिफिसिट। जैसा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के लिए सरप्लस और डिफिसिट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो बैलेंस आता है वो सरप्लस और डिफिसिट होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आता है
वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा. ओके, इसके बाद एक डिफरेंस और है यहाँ पर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद उसी की हेल्प से प्रिपेयर होता है. तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है. फर्स्ट पर्पस, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या पर्पस है, इट इज़ प्रिपेयर टू शो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स शोइंग कैश बैंक बैलेंस एट द एंड. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पर जाकर फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है. तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है इनके बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं, या रिसीट और पेमेंट साइड में दोनों में क्या डिफरेंसेस आए हैं, उसे फाइंड आउट करने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो पर्पस है वो दोनों साइड के डिफरेंस को फाइंड आउट करना होता है. और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इट शोज नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर रिजल्टिंग इन सरप्लस और डिफिशिट. किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के बाद कितना सरप्लस है, कितना डिफिशिट है, ये कैलकुलेट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. नेचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर है, तो इट इज़ अ क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन शोइंग रिसीट एंड पेमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स फॉर द पीरियड, हैंस इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका रियल नेचर है. रियल नेचर क्यों है, क्योंकि ये सारे कैश ट्रांजेक्शन की समरी है, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए ये एक रियल नेचर का अकाउंट है. और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल की कैटेगरी में आता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देयरफॉर इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. मतलब यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है. थर्ड फॉर्म, इट रिकॉर्ड्स रिसीट ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड. दो साइड होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. तो यहाँ पर जो रिसीट है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है और जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द डेबिट साइड. इनकम और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. ठीक है, जितने भी इनकम और गेन है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है. फिर बैलेंस, तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे जाकर एंड हो जाता है. ठीक है, और जो भी बैलेंस होता है वो टू बैलेंस बीडी करके या बाय बैलेंस सीडी करके वहाँ पर आप शो करोगे, डिपेंड करता है कि ओवरड्राफ्ट है या पॉजिटिव बैलेंस है. और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो या तो आपका सरप्लस होगा या डिफिशिट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. फिर कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है. जितने भी कैपिटल हो या रिवेन्यू, रिसीट और पेमेंट है तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे, इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि एक्रुअल बेसिस को फॉलो करता है, तो यहाँ पर आने वाले ईयर से रिलेटेड और कैपिटल नेचर की चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है. कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, इट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू पास करंट सक्सेडिंग ईयर. मीन्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आने वाले ईयर से रिलेटेड हो या चले गए ईयर से रिलेटेड हो, मतलब प्रीवियस ईयर से हो या एडवांस में अगर आपको कुछ रिसीव हो गया उसकी एंट्री आप यहाँ पर करोगे. यहाँ पर टाइम पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आप रिकॉर्ड करोगे. ओके, एडजस्टमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये कैश बेसिस को फॉलो करता है. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रुअल बेसिस को फॉलो करने की वजह से यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं. और डेप्रिसिएशन की अगर बात की जाए तो डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं और डेप्रिसिएशन तो आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस है ये कंप्लीट हो गया. आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.